खुशी की बात है कि हमारे पार्टी के एक बहुत ही लोकप्रिय कार्यकर्ता जिन्होंने बहुत छोटी जगह से काम की शुरुआत की है और कार्यकर्ता करके अनेक जिम्मेदारियां यशस्वी रूप से पार की है, ऐसे जगत प्रसाद नड्डा जी आज हमारे पार्टी के अध्यक्ष बने हैं। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे पार्टी की ये विशेषता है कि कार्यकर्ता के रूप में छोटे स्तर पर काम करने वाला हमारा कार्यकर्ता भी इस पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है, यही हमारी पार्टी की सबसे बड़ी विशेषता है। नड्डा जी ने संगठन में जो भी जिम्मेदारी मिली उसका बहुत अच्छे तरीके से वहन किया। हिमाचल प्रदेश से अपने कार्य का शुभारंभ उन्होंने जरूर किया है और जब मैं अध्यक्ष बना तब मैंने विशेष रूप से उनको अनुरोध किया था कि आप दिल्ली में पार्टी का कार्य करने के लिए आइए और जनरल सेक्रेटरी के रूप में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पार्टी के संगठन का काम किया। लगातार अनेक राज्यों में वो संगठन के लिए संपर्क करते रहे और संगठन के विस्तार में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। आज हमें सबको खुशी है कि ऐसे ही हमारे बीच का एक लोकप्रिय कार्यकर्ता आज इस पार्टी में अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी लेकर हमको मार्गदर्शन करने के लिए आज हमारे साथ इस पद पर वो निश्चित रूप से आरूढ़ है और इसलिए हम सबको वो प्रेरणा देते रहेंगे। मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा, पिछले 5 साल में हमारे पार्टी को विश्व की सबसे पार्टी बनाने में और लगातार पार्टी के विस्तार करने में हमारे पूर्व अध्यक्ष और हमारे देश के वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी पार्टी की बहुत अच्छी सेवा की है। मैं अमित जी का भी उनके कार्य के लिए विशेष रूप से अभिनंदन करूंगा और नड्डा जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए यही विश्वास दिलाऊंगा कि हम सब कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हैं और जिस प्रकार से पार्टी लगातार आगे आगे जा रही है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश का भी विकास हो रहा है और हमारे संगठन का भी विस्तार हो रहा है। मेरा विश्वास है कि नड्डा जी का यशस्वी नेतृत्व भविष्य में हम सबको उचित मार्गदर्शन करेगा और पार्टी के विस्तार में पार्टी को और आगे की ऊंचाई पर पहुंचाएगा, यही विश्वास व्यक्त करते हुए और नड्डा जी को बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। Download Tarang Online Radio app from Google Play Store. You are listening to Tarang Devotional Online Radio.